सब्सक्राइब करें बॉलीवुड न्यूज यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकन दबाना ना भूलें टू गेट ऑल द लेटेस्ट गॉसिप्स एंड अपडेट्स ऑन बॉलीवुड। इतना अच्छा और क्या चाहिए, कड़क रे कड़क मिला आपने को, क्या दिक्कत है? कांच सरपाजी बोला और साफ कराए। सही ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे। हाय दिया मैम, साथ में करते हैं। मैम लुक कैमरा, ये मैम लुक कैमरा। मैम उठाइए ना, साथ में साथ गोदी ले लीजिए। वेरी नाइस, वाओ। हाय हाय, लुक किया मैम, मैम लुक किया, हाय लुक किया, वाओ। मैम योर राइट, मैम योर राइट। थैंक यू मैम, बाय। आप आगे आ जाइए, ठीक है? आई लिसन टू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑल ऑफ यू, रियली मीन्स अ लॉट। निखिल, ये जो प्रोजेक्ट रहा है आपके दिल के बहुत ही करीब रहा है, इंस्पायर्ड इन एडिशन टू बीइंग योर डेब्यू ऑन द वेब प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल, दिस इज माय डेब्यू on the web platform, and I couldn't have asked for a better debut. As an artist, as a human being, jis tarah ki ye kahani likhi gayi hai, ek to ye haqeeqat se judi hui kahani hai, it's inspired by a true story. Uske alawa jis tarah Bhavani Iyer ne insaniyat ki kahani likhi hai, wo mere liye bahut maayne rakhta hai. Aur वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलता है इस किस्म की कहानी से जुड़ने का, और मैं बहुत खुश हूँ कि काफिर मेरा पहला शो होगा OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या उसके बाद में प्रमोशंस वगैरह, बड़े भावनात्मक रूप से आपने सारी चीज़ें प्रस्तुति की, चाहे बातचीत की, हर एक चीज़ में आपकी काफ़ी भावनाएँ जुड़ी हैं इससे। बिल्कुल, जब आप शो देखेंगे तो लोगों को तो ये इस बात का एहसास हो ही चुका है कि ये कहानी कितनी मायने रखती है, कितनी स्पेशल है, प्रोमोस ट्रेलर सब देखकर। लेकिन जब आप पूरा शो देखेंगे, 8 एपिसोड देखेंगे, तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि क्यों मैं इतनी भावनात्मक हो चुकी हूँ, क्यों मैं इतनी भावुक होकर इतने प्यार से हर चीज़ जो काफिर से जुड़ी हुई है उसकी बात करती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत कम बार एक इंसान को ऐसी कहानी से जुड़ने का मौका मिलता है, और अगर मिल गया है तो फिर उसका एहसास पूरी तरह से हमारे अंदर समा जाता है। हम कश्मीर में शूट करने वाले थे पर कश्मीर में नहीं शूट कर पाए क्योंकि पुलवामा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और पुलवामा होने के बाद हमको शूटिंग का की परमिशन नहीं मिल रही थी। तो हमने हिमाचल में जाकर, जो छोटा कश्मीर कहा जाता है जिस एरिया को, जो तिब्बत बॉर्डर के बहुत करीब है, सांगला और कल्पा नाम के जगहें हैं, वहाँ पे शूटिंग की। और इस बात के बावजूद कि शो के अंदर इतना दर्द है,
इतने सारे मोमेंट्स है जिसमें इतना दर्द है, इतनी लाचारी है, इतना आई थिंक रूह को कपाने वाली चीज़ें होती हैं. मुझे कभी भी वहाँ पे थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब आप ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हो जहाँ पर आप कुछ भी देखें, खूबसूरती खूबसूरती नज़र आए, खुलापन, साफ़ हवा, अच्छे लोग, और फिर जब ऐसे यूनिट के साथ आप काम करें, ऐसे डायरेक्टर के साथ, ऐसे को एक्टर्स के साथ, ऐसे सिनेमाटोग्राफर के साथ जो बिल्कुल पूरी तरह से कहानी में समा गए हैं, तो the environment that you're working in, obviously the physical place and the people make a big difference. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से ये शुरुआत हुई है, कई तरह की लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, बड़ी हिम्मत से आप उनका सामना भी कर रही हैं, चाहे वो इंटरनेट पर भी हो. एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है जो कि शायद कई बार अनप्लेजेंट भी हो रहा है आपके लिए. इस पूरी चीज़ को आप कैसे देख रही हैं? ये जो कहानी लिखी गई है इन्हीं प्रेजुडिसेस को एड्रेस करती है. जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे माहौल में आज के वक्त आपने पाकिस्तानी का किरदार निभाया, आपको डर नहीं लगा? इसी डर को पर सवाल उठाता है काफिर, इसी डर को ख़त्म करने की बात करता है काफिर. तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि हमने ये कहानी कही है और ये लोगों तक पहुंचेगी. और जो इंसानियत की बात हम कर रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में एक एक अनफॉर्चुनेट लेंस से लोगों को देखा जा रहा है. यू नो द लेंस ऑफ रिलीजन, द लेंस ऑफ कल्चर, कंट्री, कास्ट, एंड दीज आर वेरी अनफॉर्चुनेट वेज टू व्यू ह्यूमैनिटी. We should not be prejudiced against people because of a religion they belong to, or a caste they belong to, or a place that they belong to. And that's precisely what Kafir addresses. And जबी भी कोई सवाल उठाता है या कुछ गलत कहता है, मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफिर के द्वारा उन्हें काफ़ी जवाब भी मिल जाएंगे. दिशिता मैं सिर्फ ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत, आई थिंक पहली बार इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस आपको एक बच्ची में नज़र आएगी. वो सब 6 साल की उम्र की है, लेकिन उसकी इंसानियत, उसके जज्बात, उसका उसकी सादगी, उसका प्यार इतना ताकतवर है कि वो लोगों के दिल में ऐसे उतर जाती है. कंटेनिंग मैं कह नहीं सकता आप इस दोनों की चीज़ों कैसे रिलेट करेंगी, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे अभी मिस्टर बच्चन का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हुआ, फिर उसके बाद अदनान सामी जी का हुआ, और दोनों में ही जो चित्र लगाया गया वो नेबरिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का लगाया गया. तो ये चीज़ें आप कोइंसिडेंटली होती हैं, दोनों देशों का कोई फ़ायदा कोई दूसरा उठाता है, या आप कैसे समझती हैं कि आम देखिए जब भी मैं काफिर की बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ये जो लकीरें बनाई गई हैं, ये जो आप और हम, ये जो दूरियाँ पैदा की जा रही हैं, ये खौफ से की जाती हैं. और खौफ, आई थिंक, डर, भय इंसान के रूप को ख़त्म कर देता है. आप, यू फील डिसएम्पावर्ड व्हेन यू आर अफ्रेड. एंड आई थिंक जितने भी फोर्सेस हैं जो लोगों के दिलों में डर पैदा करना चाहते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हमें लाचार बनाना चाहते हैं. हम जानते हैं हिस्टोरिकली, अगर हम अपने हिस्ट्री को भी देख लें, दुनिया में किसी भी जगह को देखें, जितने भी ओप्रेसर्स रहे हैं, रूलर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा डर का इस्तेमाल किया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए. एंड बिल्कुल आज काफ़ी लोग देखने आए हैं, बमन आए हैं आपके, बहुत मतलब करीबी और प्रिय हैं आपके ना? वेल, मेरे बहुत करीबी लोग हैं यहाँ पे, बट द पर्सन हु आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू वॉच काफिर विद, द फर्स्ट 4 एपिसोड्स इज माई मदर एंड द राइटर भवानी अय्यर, क्योंकि उनकी सोच, उनका दिल, उनका रूह इस कहानी में बसा हुआ है. और मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे लिए क्या मायने रखता है कि वो यहाँ पर मेरे साथ आज ये एपिसोड देखेंगे. इसके बाद और भी करेंगी वेब सीरीज़? और बिल्कुल,
आगे मेरा नेक्स्ट जो होने वाला है बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो निखिल अडवाणी डायरेक्ट कर रहे हैं और वो एक हिस्टोरिकल है एंड कोइंसिडेंटली वो भी भवानी अय्यर ने ही लिखा है। कुछ बताएंगे, नाम बताएंगे? वो बाद में जब उस शो की अनाउंसमेंट होगी तब। तो जब भी फादर्स डे आता है मुझे ये कहने का बड़ा मन करता है सबको कि मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम विद योर फादर्स, माइन इज़ नॉट विद मी एनी मोर एंड आई मिस हिम एवरी डे। हैप्पी फादर्स डे। हो जाते हैं लेना कुछ और फिर हम उसको आएंगे।